हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आरती फूड मैजिक चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की ग्रेवी, एकदम इजी और सिंपल तरीके से। आप लोग को हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसे हम पहले से काट लिए हैं। दो बड़े साइज टमाटर, दो बड़े साइज प्याज, सारे को हमने पहले ही काट के रख लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल 1 टीस्पून। तेल आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आप डेली घर में यूज करते हैं। तेल को थोड़ा पूरे कढ़ाई में फैला देते हैं। तेल को गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। फिर चलाते रहेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। अभी दोनों को साथ में चलाते रहेंगे। प्याज को भूनते टाइम हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है। प्याज और टमाटर को दोनों को साथ में 2 मिनट तक भूनेंगे हम इसे। अब ये भून के हो चुका है। प्याज और टमाटर को हमने भून लिया। अब थाली में निकाल लेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। बर्तन में निकालने के बाद थोड़ा चम्मच से फैला देंगे थाली में ठंडा होने के लिए। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम पनीर को फ्राई करते हैं। पनीर को फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को पूरे कढ़ाई में चला देंगे। अब डालेंगे इसमें पनीर। पनीर को हल्का ही फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई करने से पनीर कड़क हो जाता, फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। आगे पीछे दोनों साइड थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। अभी पनीर को हमने फ्राई कर लिया, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब उसी तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा फोरन के लिए। जीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पीसे हुए टमाटर और प्याज, जो भून के हम पीसे थे। अब हम इसमें डाल देंगे पूरे को। और चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपको ये पसंद नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब सारे को डालने के बाद भून लेंगे थोड़ा, जिससे कि प्याज टमाटर सारे मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। इसे ज़्यादा देर फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज को हमने पीसने से पहले फ्राई कर लिए थे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी।
जिसे हाथ से रगड़ लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर कसूरी मेथी आप लोग के पास ना हो तो इसकी भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे पानी ज़रूरत के हिसाब से।